Hello guys. So today video is all about whatever the questions we got from many students कि हम लोग EQT के semester exams में लिख के आते हैं but we are not getting marks, और maybe we are not getting the passing marks too, right? हम लोग internal में तो pass कर जाते हैं but कहीं कहीं external exams में back आ जाती है. So regarding that, we have came up with this video and we'll be covering all the points, okay? And from my experience and my friends' experience and from other senior experience too, we'll be covering all those points, how to score better, okay, in minimum time, because obviously सबको पता है semester exams में 90 to 95% बच्चे जो हैं वो last में पढ़ते हैं before the exam. So that's obviously nothing secret regarding that, everyone knows about it. तो बीकेटी एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम्स में कैसे अच्छा स्कोर करना है, ओके, एंड इफ यू वांट टू गेट द मैक्सिमम स्कोर वो कैसे करना है, ओके. So obviously we have sneaked into the toppers, that toppers seat also, right? We have seen, we have talked to them, how they are getting 10 CGPA, 9.5 plus CGPAs, right? So regarding that, ये वीडियो है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो द फर्स्ट इज वेरी बेसिक, राइट? सबसे बेसिक सा पॉइंट है कि ऑब्वियसली पढ़ के जाना है, ठीक है? पढ़ के जाने के बाद लिखना कैसे, दैट इज द पॉइंट. सो ऑब्वियसली वी नो वी हैव इन एजुकेटिव सेमेस्टर एग्जाम्स वी हैव थ्री सेक्शंस जस्ट लाइक द इंटरनल एग्जाम्स. तो तीन सेक्शन में पेपर आता है, सेक्शन ए, बी और सी, ठीक है? तो सेक्शन ए बी सी में से सबसे बहुत बेसिक सा चीज है जो स्टार्ट करते हो आप पेपर. तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा सेक्शन ए बी सी में गो थ्रू करो, ओके. एंड इफ द पेपर इज टफ, नॉर्मली पेपर इजी टू मॉडरेट आएगा. पेपर अगर टफ आ रहा है, आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं बन सकते उसमें, तो आप यू कैन लाइक स्टार्ट विथ ए सेक्शन, ओके, इफ द पेपर इज टफ. अदरवाइज नॉर्मली अगर इजी टू मॉडरेट की बात करें तो हमेशा सेक्शन सी से स्टार्ट करो या बी से स्टार्ट करो, 10 नंबर वाले क्वेश्चन से. सो एवरी टाइम यू हैव टू स्टार्ट विथ सेक्शन बी एंड सी. अब इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा वाला पहले करना है, सेक्शन बी करना है या सेक्शन सी करना है पहले, तो उसमें कोई लोड नहीं है. सबसे इजी सा चीज ये है, जो क्वेश्चंस, जो सेक्शन सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है उसमें, वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? दो सबसे क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है वो अटेम्प्ट करना है. और टाइम को, टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो हम लोग बाद में बात करेंगे. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज, जब भी पेपर स्टार्ट करो तो हमेशा 10 नंबर वाले से स्टार्ट करना है. लाइक जो मेन पॉइंट है यहाँ पे कि 10 नंबर वाला मार्क्स हम लोग को सबसे पहले लेना है, बिकॉज 2 नंबर के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे स्टार्टिंग में और अगर उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे तो 10 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिख पाओगे. बिकॉज 2 नंबर के कितने होंगे, 20 है, बाकी आपके बनेंगे 70 नंबर बनेंगे, 20-25 होंगे सेक्शन ए में, और सेक्शन बी और सी जोड़ के 80-85% होता है वो. इट मे वेरी एट योर टाइम, जब भी वीडियो क्रिएट हो रही है उस हिसाब से मे बी नेक्स्ट टाइम भी इंक्रीज हो जाए, बट अभी के लिए ये पॉइंट था. और ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ऑब्वियसली सबको पता होता है बट मे बी अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो ये चीज मत करना हमेशा, सेकंड बी से सी से स्टार्ट करना. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज राइट कैसे करना है. राइट करने के लिए हमेशा पॉइंट वाइज लिखो आप आंसर, ठीक है? या तो हेडिंग वाइज लिखो या तो पॉइंट वाइज आंसर लिखो, डायरेक्ट पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, ठीक है? ये चीज कभी यूज नहीं करना. पैराग्राफ आंसर नहीं लिखने का भी, पैराग्राफ आंसर इज वेरी रॉन्ग, ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, दिस इज टोटली रॉन्ग, ये कभी नहीं करना है, पैराग्राफ आंसर्स नहीं लिखने का भी. एंड वन ऑफ द बेसिक पॉइंट इन दिस होल सेक्शन, दिस पॉइंट टू इज कि पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है कि टीचर का टाइम बचता है जो चेक कर रहा होगा इवेल्यूएटर, एंड इट इज इजी फॉर हिम टू, और जो आप कर लिखना चाह रहे हो वो भी उसके रिगार्डिंग भी वो काफी इजी पढ़ता है, ठीक है? तो हमेशा यही ट्राई करना है कि कभी भी हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉइंट पैराग्राफ वाइज ना लिखें, उसको पॉइंट वाइज ही रखें आंसर्स को, तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं उस केस में और इजी मार्क्स वो दे सकते हैं आपको उस केस में. और अगर आपको नहीं पता है, आप मान लो कोई क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हो और अगर कुछ चीजें नहीं पता है तो भी ट्राई करना, डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ये ध्यान में रखना, कभी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना. 2 नंबर का हो सकता है 2 नंबर का आपसे मिस हो जाए मे बी लास्ट में, दैट इज नॉट इश्यू, बट 10 नंबर में ट्राई करना कि कोई क्वेश्चन मत छोड़ो, ठीक है? और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी पॉइंट लिख रहे हो ये नहीं होता है दिस इज लाइक टोटली फेक, कि लिख देते हैं कुछ भी लिख के आ जाएंगे नंबर मिल जाएगा, दैट इज ऑब्वियसली नॉट द केस.
आपको लिखना है, आंसर आपको नहीं आता है तो ट्राई टू राइट जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछा है उसके अराउंड ही लिखना है। उस क्वेश्चन के अराउंड में जो भी चीजें आ रही हैं आपको याद है वो पॉइंट्स हेडिंग वाइज बना के जैसे लिख सकते हो वो लिखो, बट कुछ भी रैंडम सा लिख के आओगे दैट विल क्रिएट लाइक नॉट अ गुड इमेज ऑफ अस। इन दैट केस आपको ज्यादा कम नंबर मिल सकते हैं, आपके सही आंसर को भी वो इग्नोर कर देगा, ठीक है एवेल्यूएटर। सो जस्ट ट्राई टू राइट अराउंड द क्वेश्चन जो भी पूछा गया है, ठीक है। और कुछ भी लिख के नहीं आना, वो तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अगर आप कुछ भी लिख के आ रहे हो सच्चा आपको क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट करो, ठीक है। बट द थर्ड पॉइंट वुड बी द इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन ही छोड़ना है एटलीस्ट 10 नंबर के। 2 नंबर के दो क्वेश्चन छूट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 नंबर के क्वेश्चन भी करके आना। वैसे घंटे लेकर वन वर्ड आंसर नहीं है तो कुछ ना कुछ लिख के आओ उससे रिगार्डिंग, अगर कुछ भी पता है तो, ठीक है। एंड द ऑब्वियसली द ट्राई टू यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन्स ओनली, ठीक है। बस एक कलर का पेन में चूज करना, जो आपकी सीट स्कैन होती है वो कलर्ड में जाती है, तो हेडिंग वाइज और वो चीज देखने में ब्लू ब्लैक पेन्स लाइक काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। स्केच जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं, कुछ लोग बोलते हैं स्केच से लिखते हैं वो करते हैं, वो कुछ खास रिलेवेंस ही नहीं है उसमें। आई हैव यूज द स्केच बट डिडंट गेट मोर मार्क्स, सो उस केस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप मार्क्स पा जाओगे आप स्केच ड्राइंग ऐसा कुछ अलग से कर रहे हो, कोई नहीं है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड फॉर देम जो कि जिनमें ड्राइंग्स होती हैं काफी, तो यूज ड्राइंग्स एज मच एज पॉसिबल, ये भी बहुत एक एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है उस रिगार्डिंग द आंसर, तो वो आंसर ना देख के आपका उस ड्राइंग के थ्रू में भी जान जाए, ठीक है। और यू कैन से द डायग्राम्स राइट फॉर देम व्हेन आस्क्ड, ठीक है। अगर वो पूछा गया है उस पेपर में या उस जो भी मैकेनिकल वाले हैं, ठीक है, बिकॉज सीएस में वी डोंट हैव मच डायग्राम्स, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू यूज डायग्राम्स एंड ड्रॉइंग्स एज मच एज पॉसिबल, ये कोई जरूरी नहीं है पूरा पेज भर के आओ, ठीक है, कुछ पेज भी भरोगे चलेगा। तो यही छोटा सा था एक, एंड ट्राई टू यूज दिस फॉलो दिस, दिस इज लाइक टोटली फ्रॉम द एक्सपीरियंस, एंड ये फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली विल गेट बेटर मार्क्स, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ट्राई टू गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट, अच्छे से समझ लेना फिर उसके बाद ही स्टार्ट करना, एंड मोस्टली 10 नंबर के से स्टार्ट करना पहले। सो दिस इज ऑल वी हैव टू कवर टुडे, थैंक यू।